नमस्कार, बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त शाम के 7 बज गए हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी और आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। आज बड़ी खबर में विशेष रूप से बात करेंगे आईसीसी के वर्ल्ड कप की। जी हां, वर्ल्ड कप जो है वो अक्टूबर में भारत में होना है। 2011 के बाद एक बार फिर से क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो भारत में आ रहा है, लेकिन उसका जो फिक्स्चर यानी कि उसकी मेजबानी का जो शेड्यूल बाहर आया है उसके बाद भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं जरा उस पर थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। आईसीसी ने अक्टूबर में शुरू हो रहे 2023 क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का जो पूरा कार्यक्रम है उसकी घोषणा की। अक्टूबर में शुरू होने वाले वर्ल्ड कप के लिए देश भर में 10 मैदान जो हैं वो चुने गए हैं। इसमें हैदराबाद, अहमदाबाद, धर्मशाला, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ मोहाली, इंदौर, राजकोट, रांची, नागपुर और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों में एक भी मैच की मेजबानी ना मिलने से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मोहाली और इंदौर समेत देश के प्रमुख क्रिकेट केंद्रों के जो अधिकारी हैं, जो वहां के नेता हैं, वो बड़े नाराज चल रहे हैं। वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद में, वहां पर यह खेला जाएगा। इसके अलावा वर्ल्ड कप के सबसे अहम जो मैच हैं, जैसे भारत बनाम पाकिस्तान या इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, और वर्ल्ड कप का फाइनल भी इस बार अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के खाते में आया है। इस पर कांग्रेस नेता शशि थरूर, एक भी मैच तिरुवनंतपुरम में नहीं हुआ है इसके खिलाफ उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने यह भी कहा है कि अहमदाबाद क्रिकेट की राजधानी बनता जा रहा है। पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह एयर ने भी मोहाली को एक भी मैच ना देने की बात पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। वहीं बीसीसीआई के उपाध्यक्ष के जो जवाब इसका है, उन्होंने कहा है कि जो स्थानों का चयन है वो आईसीसी करती है, हम सिर्फ अपनी रिकमेंडेशंस भेजते हैं। तो जरा पहले आपको फटाफट बताते हैं कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल है क्या। 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से चेन्नई में जो मैच होना है, 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान दिल्ली वाला मैच खेलेंगे, वहीं 15 अक्टूबर को पाकिस्तान का जो मैच है वो अहमदाबाद में होना है, 19 अक्टूबर को बांग्लादेश से जो भारत का मैच है वो पुणे में होना है, 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से मैच धर्मशाला में होना है, 29 अक्टूबर को इंग्लैंड का मैच भारत के साथ लखनऊ में होगा, 2 नवंबर को क्वालिफायर जो है वो मुंबई में होंगे, 5 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका इसके साथ जो मैच है वो कोलकाता में है, 11 नवंबर को क्वालिफायर 1 जो है वो बेंगलुरु में है, 15 नवंबर को सेमीफाइनल मैच फिर मुंबई जाएगा, 16 नवंबर को सेमीफाइनल मैच कोलकाता जाएगा और फाइनल मैच फिर से अहमदाबाद में होगा। अब किस किस को मेजबानी नहीं मिली है जिस पे उन्होंने आपत्ति जाहिर की है। मोहाली पंजाब की अगर बात करें तो 1996 से लगातार मोहाली को हमेशा वर्ल्ड कप के दौरान मैच मिलते थे। 1996 विश्व कप में सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज यहां पर हुआ, 2011 का भारत पाकिस्तान का सेमीफाइनल सबको याद है, 2016 के T20 वर्ल्ड कप में भी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच यहां पर हुआ था, और 2023 विश्व कप में मोहाली को एक भी मैच नहीं मिला है। इस पर जो पंजाब के खेल मंत्री हैं वो काफी नाराज हैं। वहीं वर्ल्ड कप किस और जो शहर को नहीं मिला, इंदौर। इंदौर भारतीय जनता पार्टी शासित है इस वक्त मध्य प्रदेश, वहां से 1987 के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड का मैच यहां पर हुआ था। लगातार अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी इंदौर करता रहा है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस पर अपनी निराशा जाहिर की है और कहा है कि पता नहीं बीसीसीआई की क्या मजबूरी थी, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर अगर हम बात करें तिरुवनंतपुरम की जो केरला में है, तिरुवनंतपुरम को भारत का स्पोर्ट्स हब कहा जाता है। शशि थरूर ने नाराजगी जताई है कि तिरुवनंतपुरम को ये मैच नहीं मिला है। उन्होंने ये कहा कि तिरुवनंतपुरम के पास सबसे अच्छा क्रिकेट स्टेडियम है, केरल को 1 या 2 मैचों की मेजबानी जरूर मिलनी चाहिए थी। राजकोट आपको बताएं, रांची साथ में है, नागपुर जो है उसको भी कोई मैच नसीब नहीं हुआ है। इस पर जरा क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं पहले वो सुनवाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के जो खेल मंत्री हैं गुरमीत सिंह हेयर जो हैं, उन्होंने इस पर क्या कहा, फिर उसके बाद आगे चलेंगे और भी जो इस पर रिएक्शन है वो भी आपको बताएंगे।
वर्ल्ड कप भारत हुए तो 96 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मोहाली च होया, 2011 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मोहाली च होया, तो ऐत की सेमीफाइनल की एक भी मैच जिहड़ा पंजाब नूं जिहड़ा मोहाली नूं होस्ट करन दा जिहड़ा मौका नहीं दिता गया। तो उहदे नाल नाल नरेंद्र मोदी जिहड़े स्टेडियम अहमदाबाद उहदे च तुसीं पहला मैच भी करवा रहे हो, ओपनिंग भी उत्थों हो रही है, इंडिया पाकिस्तान का जिहड़ा वड्डा मैच आ उह वी उत्थे हो रहा है, तो जिहड़ा फाइनल भी उस स्टेडियम जिहड़ा करवाया जा रहा है। तो साडा जिहड़ा गवांढी सूबा हिमाचल उत्थे तुसीं इको स्टेडियम दे विच जिहड़ा तुसीं कंपैरिजन करना होवे मोहाली ते उत्थों दे स्टेडियम दा ते साडे स्टेडियम दी ग्रेडेशन उत्थों कितें उपर है, वही राजीव शुक्ला जो कि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आईसीसी को चुने गए जगहों की मंजूरी देनी होती है और यह पूरी तरीके से बीसीसीआई के हाथ में नहीं होता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपत्ति जताने वाले सभी लोगों को सोचना चाहिए कि इसमें आईसीसी की सहमति होना आवश्यक है। ICC has to approve all those venues. It's not purely in BCCI's hands. ICC has to approve those venues. So all those who are raising objection, they should realize that we need a consent of ICC also while picking up these venues. वहीं कांग्रेस के नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर ने एक ट्वीट करके कहा कि ये देखकर मायूस हूं कि तिरुवनंतपुरम को का जो स्पोर्ट्स हब है जिसे बहुत सारे लोगों ने भारत का सबसे अच्छा क्रिकेट स्टेडियम वो मानते हैं, वर्ल्ड कप का जो मैचों की सूची से बाहर है। अहमदाबाद देश की नई क्रिकेट राजधानी बन रहा है, लेकिन क्या एक या दो मैच केरल को नहीं दिए जा सकते थे? ये सवाल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर ने एक ट्वीट करके उठाया है। चलिए, तो शशि थरूर ने जो सवाल उठाया है इस पर जवाब लेने के लिए इस वक्त कांग्रेस के सीनियर नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थरूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने देखा तिरुवनंतपुरम को जो मौका नहीं मिला है, उसको जो सूची है उसमें शामिल नहीं किया गया है, आपको इस बात का अच्छा भी नहीं लगा, पर आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ राजनीति हो रही है? देखिए, सिर्फ तिरुवनंतपुरम का की बात नहीं है, क्यों मैं तो दुखित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे लोग भी मैच देख पाए, लेकिन आप देखिए मोहाली में भी नहीं मिला है, रांची में भी नहीं मिला है। कुछ लोग तो हाँ देख रहे हैं कि इन राज्यों में तो विपक्ष की सरकार है और शायद ये कारण हो सकता। मैं सोचना चाहता हूं कि ये सही नहीं है, लेकिन ये भी है कि जिनके पास ज्यादा इन्फ्लुएंस है बोर्ड में उनके इलाके को नेचुरली प्रायोरिटी मिल जाता है। तो यही हुआ मेरे ख्याल में। आप देखिए कि अहमदाबाद को पहला मैच मिला टूर्नामेंट का, आखिरी मैच मिला फाइनल, बीच में जो दो सबसे प्रसिद्ध मैच होते हैं इंडिया पाकिस्तान और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, दोनों अहमदाबाद को दिया हुआ है। आप मुझे नहीं समझा सकेंगे कि ये बिल्कुल एक्सीडेंटल था या कोई बैलेटिंग करके कोई उनका नाम ऐसे मैजिकली निकाल दिया। मेरे ख्याल में ये तो इन्फ्लुएंस का ही सवाल होता है और मैं इसके बारे में शिकायत नहीं करना चाहता हूं क्योंकि राजनीति तो हर चीज में है हमारे देश में, तो क्यों नहीं इसमें भी। लेकिन फिर भी एक राजनीतिक सोच भी हो सकता था कि जितने भी ज्यादा शहर को हम ये खुशी दे सकते थे कि देश के लिए भी अच्छा है, सब लोग खुश होंगे। पर थरूर साहब, बीसीसीआई और आईसीसी का ये कहना है कि अहमदाबाद के जो स्टेडियम है वो नया स्टेडियम है, बिजनेस के लिहाज से अच्छा है और लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा के हिसाब से ये चुनाव किया गया है। शायद मैं ये सब मान लेता हूं और मुझे पता है कि सिर्फ भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये अहमदाबाद, तो मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं कि किसको मिला किसको, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं किसको नहीं मिला उनको तो उनका दुख दिखाने का हक तो है। और मुझे लग रहा है कि केरल जहां क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जो अभी करीब 10-20 साल से ज्यादा पॉपुलर बन गए हैं, हमारे 2-3 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, श्रीशांत, संजू सैमसन, इसके और इनके साथ बहुत लोग भी ध्यान देने लगे क्रिकेट पे। तो अगर आप क्रिकेट को जरा प्रोत्साहित करना चाहते हैं, आप इनकरेज करना चाहते हैं, तो केरला जैसे जगह, तिरुवनंतपुरम जैसे जगह में आपको मैच लेके आना चाहिए था। मेरे ख्याल में ऐसे भी आप रांची के बारे में बोल सकेंगे, वहां भी काफी नए स्टेडियम है, तिरुवनंतपुरम में नया स्टेडियम है, शायद गुवाहाटी के बारे में हम सोच सकेंगे, मोहाली तो जरूर
अब मोहाली को तो एक सेमीफाइनल भी मिला था पिछले वर्ल्ड कप में भारत में 2011 में। तो ये सब अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि जरा सा अन्याय हुआ है इस सिलेक्शन में। मैं समझ रहा हूं कि आईसीसी का नियम है कि सिर्फ 10 इलाके 10 शहर को दे सकेंगे, लेकिन हम तो इतने मजबूत है आईसीसी में। मेरे ख्याल में अगर हम कहा थे हमारा देश बहुत बड़ा है, हमें 14 जगह चाहिए, 13 जगह चाहिए, कोई हमें रुकने वाला नहीं है आईसीसी में। तो ये एक्सक्यूज मुझे बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लग रहा। पर तरूर साहब, बात यह भी सच है कि 10 जो शहर चुने गए हैं उसमें से अगर आप देखेंगे तो करीब 5 ऐसे हैं जो भारतीय जनता शासित राज्यों में नहीं है। सौरभ गांगुली भी कह रहे हैं पूर्व कप्तान की इसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए, काफी अच्छे ग्राउंड्स का चयन हुआ है। देखिए सिलेक्शन तो अच्छे होंगे, जगह भी अच्छे होंगे, लेकिन और भी अच्छे जगह है हमारे बड़े बड़े भारत देश। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, पंजाब सरकार उसको लेकर काफी बात कर रही है, वो कह रहे हैं कि ये गलत हमारे साथ हुआ है, इसको लेकर वो अपनी शिकायत भी दर्ज कराना चाहते हैं। आपको लगता है केरला से आप आते हैं, आपकी सरकार को भी कुछ इस तरह का एक औपचारिक कदम उठाना चाहिए? देखिए मैं केरल में भी विपक्ष में हूं तो मैं क्या कहूं मेरे राज्य सरकार के बारे में। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अब तो जब अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब पूरा दुनिया जानते हैं और लोग अभी अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल के सारे बुकिंग्स करने शुरू किए होंगे कि कौन से शहर में वो लोग आके मैच देखेंगे, होटल बुकिंग्स किए होंगे, तो इसके बाद बदलना शायद नामुमकिन है, और ये भी मैं समझ लेता हूँ। लेकिन मेरा दुख को जरा सा बताने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं सोचता हूँ कि ये रियलिस्टिक है। अगर एक 24 घंटे के अंदर बदल लिया शायद अभी भी ठीक है, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल में लोगों की बुकिंग्स वगैरह सारे आएंगे और उसके बाद चेंज करना बहुत मुश्किल है। सर मैं आपसे, ये राजनीति की बात तो हुई बहुत, लेकिन मैं आपसे, क्योंकि आप क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं, फैन हैं आप, मैं ट्विटर पे देखता रहता हूं कि आप कोई भी मैच हो, भारत का हो या और भी कहीं जगह के मैच है, एशेस भी आप बड़ा फॉलो कर रहे हैं, तो वर्ल्ड कप भारत में आ रहा है, फैंस की बहुत उम्मीदें हैं, एज अ फैन शशि थरूर की इस बार क्या उम्मीद है क्रिकेट वर्ल्ड कप से? देखिए मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी खिलाड़ियां काफी अच्छे हैं, बहुत मजबूत टीम है भारत का, और ये भी कहा जाता है भारत के अंदर कि हम तो भारत के अंदर तो अनबीटेबल है, हमें 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 हराना आसान बात नहीं है। आपको बताया कि दुनिया के सबसे मशहूर टीम्स ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो भी है, भारत में आके हार जाते हैं हमारे खिलाफ, तो मेरे ख्याल में उम्मीद तो बहुत है। लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है कि एक कुछ किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। पिछले वर्ल्ड कप में भारत में भी कितने सरप्राइजेस हो गए थे, आपको शायद याद है, आयरलैंड जो इस बार क्वालिफाई भी नहीं किया है, आयरलैंड इंग्लैंड को हराया वर्ल्ड कप में, तो कुछ हो सकता है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि भारत का चांस बहुत बड़ा है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी प्ले ऑन द डे। शशि थरूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। शशि थरूर अपनी बात कहते हुए कि उनको लगता है कि थोड़ा अन्याय जरूर हुआ है उनके राज्य के साथ, कुछ और वेन्यूज के साथ। बीसीसीआई अपनी बात पे टिकी हुई है कि हमारा इसमें पूरा रोल नहीं है, आईसीसी को तय करना होता है। चलिए इसको अब यहीं छोड़ते हैं, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और फिर आपको बताएंगे कि क्या फर्क पड़ता है जिन शहरों को ये क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका मिल रहा है। अहमदाबाद का जरा एक उदाहरण आपको दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कि कितना फर्क पड़ता है। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप के मैच के लिए अहमदाबाद के होटल रूम्स जो हैं उनका किराया अभी से ही आसमान छूते दिखाई पड़ रहा है। कई होटलों में किराया 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। आम दिनों में शहर के जो लग्जरी होटल हैं उनका किराया 5,000 से 7,000 रुपए के बीच में होता है, लेकिन मैच के दौरान ये किराया 40,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक बढ़ गया। बुकिंग वेबसाइट bookings.com पे अगर आप 2 जुलाई की बुकिंग करें तो आपको एक लग्जरी होटल में 5,699 रुपए का टिकट जो किराया है वो दिखा रहा है। यही 15 अक्टूबर को जिस दिन जब यहां पर क्रिकेट मैच होगा उसके लिए अगर आप बुकिंग करने की अभी से कोशिश करें तो वो 71,999 रुपए का दाम दिखा रहा है। ये रेडिसन ब्लू का जो कमरा है वो आमतौर पर 8,000 रुपए के आसपास का मिलता है, इस कमरे की मैच के दौरान जो कीमत है वो करीब 1,00,000 रुपए हो गई। अब जाहिर सी बात है कि दर्शक जो हैं, जो फैंस हैं क्रिकेट के, वो देश भर से, दुनिया भर से देखने के लिए आएंगे, और इसी वजह से शायद जो जिन क्षेत्रों को, जिन
शहरों को, क्रिकेट स्टेडियम्स को ये मैच नहीं मिले हैं, उनको ये टीस चुभ रही है।